और घर में एक साथ कोई आदमी आज आपकी डेंगू नहीं होता और घर दस आदमी होंगे तब आगे दो आदमी घर में आठ आदमी डेंगू हो गया हम जैसे डॉक्टर है सवाल कर यहाँ कोई सरकारी आदमी आया ना कोई अपना स्वास्थ्य विभाग में कोई आदमी आके पता भी नहीं होगा क्या हो रहा है कोई बात नहीं है वो लेकिन ये जो कह रहे हैं इनके पास डिग्री या डिप्लोमा कुछ नहीं है। हाँ जी तो वो बैठ के नहीं है मैं मतलब वो एक मैं इनके लिए इसलिए बोलना चाह रही हूँ उसमें मैं भी एक पेशेंट थी अब मेरे पास 40-50,000 नहीं है पे करने के लिए या तो मैं मर जाऊँ मैं दीजिए आप हमको दीजिए आपके विभाग वाले आप सी एम ओ को दीजिए अप्लीकेशन दीजिए यहाँ पर आप सीधे आप पढ़ी लिखी हैं आप सीधे जो है सीएम पोर्टल पर अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे फलाना फलाना व्यक्ति ऐसे कर रहा है ऐसी दवाइयाँ ले रहा है हमारे साथ ये दिक्कत है आप देख सकते हैं जब तक पता नहीं चले मेन पॉइंट ये है जैसे ये छोटे डॉक्टर होते हैं उनके पास जाने का मेन मकसद ये है भाई ये लेकिन ये गरीब आप गरीब हैं लेकिन आपको नहीं पता है कि ये लूट रहे हैं आप होटल लूट रहे हैं सरकारी में दवाइयाँ भी हैं सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर दवाइयाँ भी हैं जब आप लोग जाएंगे नहीं तो वो बैठे बैठे क्या करेंगे वरना आप लोग उसको करना है मैम आपसे यही रिक्वेस्ट है कि लोगों के लिए कराया जाए कुछ नहीं वो ठीक है आप लोग कंप्लेन दीजिए आप हमें भी बताइए मैं ड्राइविंग इंस्पेक्टर हूँ यहाँ पे और ये जो दवाइयाँ बेच रहे हैं ना ये गलत दवाइयाँ बेच रहे हैं भाई ये दवाइयाँ आपकी जिंदगी से देंगे नहीं आपको लेंगे जरूर इसलिए आप लोग ऐसे लोगों से ट्रीटमेंट मत कराइए पहले देखो अगर किसी भी एक फैमिली में अगर कोई एक भी अगर पढ़ा लिखा है ना तो अपनी फैमिली को लोगों को समझाए बताए कि भाई ये दवा नहीं खानी आजकल तो एक्सपायरी होती रहती है सारी डेट वगैरह होती है तो वो चीज़ है तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉब ही मिले जैसे आजकल डेंगू वगैरह चले थे बड़े बड़े हॉस्पिटल वगैरह हैं उसमें अपने पेशेंट को ले जाते हैं कोई लिख देते हैं 40% तो हुआ है भाई तो मैम जो 70% कोई मैंने कहा है कभी जनता है तो वो कहाँ से देगा या तो वह ले दो या मानने कैसे दे सकते हैं मैम लाइफ में जैसे ये ऐसी और भी है यहाँ पे तो मैम उन्होंने उन पर जो ट्रीटमेंट कराया वो मतलब जो पेशेंट थे उन्हें रिलीफ हुई तो वो उनके एक अपना एक ग्रुप बना लें ग्रुप बनाने के बाद जो है अपना सारा करें मेरा नंबर आप ले सकते हैं यहाँ पर पुलिस थाने में आप ले सकते हैं यहाँ पर कैंप होकर अगर कभी कैंप लगाना होगा तो कैंप लगा दिया जाएगा और आप एक एप्लीकेशन आप यहाँ की विधायक जी को जो भी चाहे उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए कहते हैं ना कि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ भी रोती रहती है हम लोगों को या मैं हूँ चाहे कोई भी लीडर है तब तक वो नहीं कर पाएगा जब तक सब पहुँचेगा आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है मैं कोई आज आपसे मिले तो हम आपसे रिक्वेस्ट नहीं आप आप लोग हमारे लिए भेजिएगा आप उनको नंबर भी दीजिएगा ठीक है नंबर भी दीजिए आपको और इनके पास जाइए मेरा नंबर भी ले लीजिएगा और जो भी दिक्कत है मैं आपका नंबर देता हूँ।